बहराइच जिले के मोतीपुर गांव में एक परिवार रात लगभग 8:30 बजे ई रिक्शा पर बैठकर मिहींपुरवा नगर एक मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर की ठोकर से ऑटो रिक्शा पर सवार सभी 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कस्बे में हड़कंप मच गया। कस्बे वासियों ने तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने घायल सभी को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। मार्ग दुर्घटना में घायल ई रिक्शा चालक वलीम पुत्र मुस्तकीम आयु 40 वर्ष निवासी गुजारना मोतीपुर, आरजू पुत्री शकीर 18 वर्ष, नसीमुन जहां पत्नी मुहर्रम अली आयु 60 वर्ष, रुस्खाना पत्नी मोहम्मद शमी आयु 30 वर्ष, तामील पुत्र शमीम आयु 12 वर्ष, ताहा पुत्र शमी आयु 10 वर्ष की वासी मोतीपुर की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने सभी को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। कस्बे में हुई दुर्घटना की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी मिहींपुरवा संजय कुमार व थाना अध्यक्ष मोतीपुर दद्धन सिंह पुलिस टीम के साथ CHC पहुंचे। घायलों का हाल जाना SDM ने कहा कि चिकित्सकों से घायलों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। गंभीर रूप से घायल सभी को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इन्हीं के फैमिली पूरा इनके बीच परिवार अम्मा साहब भाई तो तुम्हारे खाते में ड्राइवर कहाँ है बता दीजिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।